सो गाइस, आज का मेरा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। वो तो आपको पूरा व्लॉग देखने के बाद पता चलेगा क्या इंटरेस्टिंग है, बट उससे पहले ये थी मेरी ड्रेस जो थी ब्लेसिंग द लेबल से। तो मैंने सोचा मैं अब तैयार होने लगती हूँ क्योंकि मैं हो रही थी लेट। उसके बीच बीच में मैं फ्रूट भी खाती रहती हूँ गाइस, हाइड्रेटिंग रहता है। तो उसके बाद मेरी जो ड्रेस थी वो थी येलो कलर की, तो मैंने सोचा मैं येलो लाइनर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए था, मुझे लाइट सटल सा मेकअप चाहिए था। तो मेरी ड्रेस येलो कलर की थी तो मैंने उसके साथ येलो लाइनर लिया था। ये हो गई थी मैं तैयार, मेरा मेकअप डन था। उसके बाद मेरा हेयर स्टाइल शुरू हुआ गाइज। तो मेरा जो हेयर स्टाइल है वो आप सबको पता ही होगा कि मैं क्या बनवाती हूँ, एज़ यूजुअल एक ही हेयर स्टाइल, पोनी हेयर स्टाइल। तो ये हो गई मैं तैयार अलीशा एम्पायर सैलून से, जो कि मैं रेडी थी। उसके बाद मैं गई, यस गाइस ये था सरप्राइज़। आपने मेरे को बर्थडे पार्टी में जाते हुए बहुत देखा होगा, बट ये थी बच्चों की बर्थडे पार्टी गाइस। आतंक थे ये लोग, मतलब मैंने सोचा था कि पहला एक्सपीरियंस लूँ, क्योंकि आगे टाइम मेरा भी आ रहा है, कि बच्चों का जो बर्थडे होता है वो कैसे होता है। तो मैंने सोचा कि मैं चलो जाके देखती हूँ, बट गाइस वहाँ जाके तो पता चला कि इनको और कुछ चाहिए ही नहीं, खाना और डांस ही चाहिए बस, और डांस भी कम चाहिए गाइज। उसके बाद ये रिंगा रिंगा रोजेस खेलने लग गए थे, मतलब ऐसा बर्थडे पार्टी तो मैंने अजीब ही थी कि लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग जैसे जाते हैं, हम खाते पीते इंजॉय करते हैं, बच्चे वहाँ रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हैं। उसके बाद बीच में लड़ते भी हैं गाइज, ये देखो ये थी उनकी लड़ाई, मतलब एक ने थप्पड़ मारा दूसरा भी थप्पड़ मार रहा है। मतलब मुझे ऐसे था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, बट क्या फाइट हुई थी। और उसके बाद गाइज आप देखोगे ये एक साथ फिर डांस करने लग गए थे, मतलब इतनी फाइट होने के बाद ऐसी फाइट थी कि हमें रोकना पड़ गया था कि नहीं रुक जाओ अब। उसके बाद थी हमारी केक कटिंग की बारी, और ये था हमारा बर्थडे बॉय वीर, और हमने इसको इसका केक कटिंग करा। उसके बाद घर आए, बहुत सारे गिफ्ट आए हुए थे और ये तो इतना एक्साइटेड था कि क्या क्या आया है मुझे दिखाओ। तो हमने कहा चल एक एक करके शुरू करते, और ये वॉच आई थी उसको, और भी बहुत सारे गिफ्ट आए, बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट आए, बैग्स आए, गेम्स आई, स्केच पेन्स आए, मतलब जैसे होता है।